अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एनसाइटी। तो आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बाउंड, जो सेमीकंडक्टर से रिलेट करता है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर को बहुत ही डीपली से स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ कोवेलेंट की बाउंड, और इससे पहले मैंने आपको एटॉमिक थ्योरी से रिलेट बातें बताई, उसके बाद मैंने आपको चार्ज एंड कंडक्शन से, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको ये वीडियो बआसानी समझ आ सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं कोवेलेंट बाउंड। सबसे पहले कोवेलेंट बाउंड क्या होता है, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कोवेलेंट बाउंड क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है, तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट बाउंड इज द मेथड बाय विच एटम कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। इट्स मीन कि एक कोवेलेंट बाउंड बनाते हुए जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितनी की नीड होती है। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक वैलेंस शेल में हमारे पास तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कोवेलेंट बाउंड बना के अपने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और आपस में शेयरिंग के बाद अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये चीज़ इंसानों के साथ साथ हर एक मैटर में पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया है कि शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होती है, आपस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बाउंड बनाते हैं और अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेते हैं जितनी की उन्हें नीड होती है। अब इसकी एडवांटेज क्या होता है कि अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा बेनिफिट होता है उन्हें, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि द एटम आर हेल्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, जब ये आपस में अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो होता ये है कि वो इतने टाइटली पैक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इतने ज़्यादा एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं आपस में कि वो एक सॉलिड स्टेट बना देते हैं। ठीक है, उन वो जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस का बन जाता है, जैसे हम डायमंड देखते हैं, जैसे हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर देखते हैं, और जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें जब ये शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। पहले हम एक एटम की बात कर रहे थे, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनके पास फोर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, सेमीकंडक्टर के पास फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो फोर इलेक्ट्रॉन और फोर इलेक्ट्रॉन ये लोग आपस में जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है कि अपने फोर इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर लिया तो फोर और फोर एट हो गए। तो इस तरह से सब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते 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 वो एक सॉलिड स्टेट बन जाते हैं, हमें जब हम उसे बाहर से एक्सटर्नली देखते हैं तो हमें वो एक सॉलिड मटेरियल नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका मेन बेनिफिट हो गया कि ये सॉलिड सब्सटेंस बन जाते हैं एक दूसरे के साथ एटम शेयर करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट एटम्स आर ऑल इलेक्ट्रिकली स्टेबल बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कम्प्लीट। अब देखें, अगर हम एक इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करें कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सब एक साथ जो है वो कंबाइन हुए हुए हैं, शेयरिंग की हुई है उन्होंने, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट्स हैं, सबके पास एट एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो होगा क्या कि एट इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, जब एक अच्छा इंसुलेटर होता है वो होल्ड करता है एट इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में, जब सबके पास एट इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो एक पुअर कंडक्टर की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रिकली वो क्या होगा, स्टेबल होगा, जब भी हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टेबल रहेगा।
क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन होल्ड किए हुए, उसे ज़रूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तो वो स्टेबल रहता है। तो इसके दूसरा जो एडवांटेज आ जाता है वो ये आ जाता है, द एटम्स आर ऑल इलेक्ट्रिकली स्टेबल बिकॉज वैलेंस शेल्स आर कंप्लीट। ठीक है, उसकी वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल वे में हमें नज़र आएगा। थर्ड चीज़ क्या हो गई हमारे पास, कि जब वो एक कंप्लीट वैलेंस शेल बना लेगा तो वो एक एज एक्ट करेगा इंसुलेटर। ठीक है, जब उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, तो वो एक पुअर कंडक्टर की तरह काम करेगा और एक गुड इंसुलेटर की तरह काम करेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर। तो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर के जो एक एटम की बात कर रहे थे, वो भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना ले तो वो एक गुड इंसुलेटर बन जाता है और पुअर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर आता है वो हमारे पास इस चीज़ से पता चलता है कि एक इंसुलेटर से दरियाफ्त हुआ है। ठीक है, इंसुलेटर के बिना पर हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, उसके एक एक एटम से अगर हम खेलें तो उसके बाद हमें सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन के बारे में हम थोड़े से डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसे हमने इनफ एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि वो एक वैलेंस बैंड में था। ठीक है, वैलेंस बैंड जो सबसे लास्ट बैंड होता है हमारा किसी भी ऑर्बिट का, तो वो अपने वैलेंस बैंड पे था, और वैलेंस बैंड से अगर हमने उसे और मज़ीद एनर्जी दे दी तो वो क्या कर जाता है, वैलेंस बैंड से जम कर जाता है कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जम करने की वजह से वो उस वैलेंस शेल में एक स्पेस छोड़ देता है, जिस स्पेस को हम होल कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन बेसिकली कंडक्शन की वजह से हमें होल जनरेट करते हैं। होल क्या होते हैं, पहले हम होल को देख लेते हैं कि बेसिकली होल क्या होते हैं, क्योंकि ये आने वाली वीडियोस में पीएन जंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाला है। होल्स हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हम इजी डेफिनेशन लिखें इसकी, तो जस्ट हम ये कह सकते हैं अ गैप इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कोई गैप मौजूद है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है, इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ, इलेक्ट्रॉन की जगह नज़र आ रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आए तो आराम से उस जगह को फिल कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल उस जगह पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो हम उसे होल कहते हैं। होल किस तरह से एक्ट करता है, होल क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेबिलिटी लगता है, सही है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आए तो वो उसको अपने तरफ होल्ड करवा सकता है, वो जगह जो वो स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। इसकी वजह से साइंटिस्ट इसे पॉजिटिव आयन कहते हैं, और पॉजिटिव आयन जो होते हैं, पॉजिटिव आयन हमने इसे इसलिए नाम दिया है कि पॉजिटिव आयन ये जो है मूवेबल नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास होल्स होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं लेकिन होल्स मूव नहीं कर सकते, होल अपनी जगह पे कांस्टेंट रहते हैं, बरकरार रहते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन उसके तरफ पास से गुजरता है और उसके पास एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो उसको क्रॉस कर सके, तो उस पर गिर जाता है, उस गिर जब इलेक्ट्रॉन दोबारा से उस जगह को फिल कर लेता है तो हम उस जगह उस चीज़ को नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन वापस से एनर्जी लॉस करने के बाद वैलेंस शेल में आके गिर जाए तो उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, When a free electron return to the valence shell,
अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था कंडक्शन बैंड में, वो अपनी एनर्जी लॉस करने के बाद दोबारा से उस जगह को फिल कर दे, ठीक है, उस गैप को फिल कर दे जो होल की तरह से रिएक्ट कर रहा था, उस जगह को फिल कर दे, तो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ऐसे रिकॉम्बिनेशन के होल्स जो हैं बहुत कम देखे जाते हैं, अगर क्योंकि ये बहुत जल्दी फिल हो जाता है एनर्जी, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एनर्जी डेसिपेट कर रहा होता है जिसकी वजह से वो फ़ौरन से इस जगह को फिल कर लेता है, तो इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टाइम, हम लाइफ टाइम के अगर डेफिनेशन कहें तो द टाइम बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, उसे हम लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, पहले हमारे पास जो होल और इलेक्ट्रॉन था, होल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन होल और होल इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ भी कह सकते हैं, होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास हमने कहा कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस मौजूद है जो जहाँ हमारा होल बन चुका है, अब वो होल की जगह है और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर में फ़ौरन से होल जो है फिल हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी डिसिपेट हो रही होती है किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन की और वो आके फ़ौरन से इसमें गिर जाता है, तो इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, इसका जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ कंडक्शन या लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो आई होप आपको समझ आया हो कि इस वीडियो की खास बात क्या थी। इसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के एडवांटेजेस पढ़े कि अगर कोई एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिल सकते हैं, एंड कंडक्शन, कंडक्शन किस तरह से होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी आ जाए उसके अंदर कि वो वैलेंस बैंड की एनर्जी से भी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उसके पास आ जाए, तो वो कंडक्शन बैंड को तोड़ के वैलेंस बैंड को तोड़ के कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है। इसके मतलब, कंडक्शन बैंड का मतलब ये होता है कि वो अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ईजिली मूव कर सकता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसे कहीं भी आने जाने की पाबंदी नहीं है। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद जब वो उस जगह को छोड़ के चले जाता है तो वहाँ एक आयन जनरेट हो जाता है जो मूवेबल नहीं होता, उस आयन को हम होल कहते हैं, और उस होल को फिल कर, जैसे ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करने के बाद इस होल को फिल करता है तो हम उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, और जनरेशन से लेके रिकॉम्बिनेशन के टाइम पीरियड को हम, जो टाइम लिमिट होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। लाइफ टाइम जो हमारे पास होल का बना था वो लाइफ टाइम है, होल का लाइफ टाइम कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बेसिक बातें पढ़ी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। अब आने वाली वीडियो में हम डोपिंग से रिलेटेड बात करेंगे, और उसके बाद फाइनली हमारा सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पीएन जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।